नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस का आपका एग्जाम हो चुका है कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए। सेकंड मीटिंग का पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हैं और इसमें हम आपको जो बताएंगे वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का हल बताएंगे। तो मेरी बुकलेट सीरीज के अनुसार ये क्वेश्चन का जो क्रम है वो 69 से है। हो सकता है कि आपकी बुकलेट सीरीज में कोई सा और क्रम हो, तो आप जो है क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, उनके आंसर को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन मैच करेंगे और अंत में ये भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसके अनुसार जो निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आंसर है एसिटिक एसिड, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही होगा। मामूली चीज़ों का जो देवता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसकी प्रसिद्ध लेखक की रचना है? सही आंसर होगा अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्न में से कौन सी राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098, डी ऑप्शन आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। हम्पी नृत्य उत्सव जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इसके लिए आंसर होगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो यहाँ से हम देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियाँ, योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो कि आपका पुणे में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया, तो सही जो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन आंसर इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी को DGP कहा जाता है, जो आपका पुलिस महानिदेशक कहलाता है। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इनमें आपका क्या कहलाता है? इसको कहते हैं आपका राजस्व बजट। मथुरा के पास मठ के मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां हैं? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुषाण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्न में से किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा चीन। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने के किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर, इसमें आपके लिए सही आंसर हो जाएगा सी। सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें और सभी लोग जो हैं इसको शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी मित्रों को आसानी से पेपर मुहैया हो सके। भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? कोची इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में भारत जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया? तो 2 चरणों में ये कार्य हुआ था, डी आंसर इसके लिए सही हो जाएगा। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है इसका नाम? तो इसका नाम जो है मानव अधिकार आयोग कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला उत्सव किन नदियों के संगम पर होता है? बी आंसर सही होगा, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्न में से किस विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उद्योग। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले में है? सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है,
NIA का पूर्ण नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका नाम है, और बी सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इजराइल हमास संघर्ष भारत के नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय इसके लिए सही आंसर होगा बी। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश पर समझौते हुए प्रौद्योगिक सहयोग ETCA की बातचीत फिर से शुरू की गई, तो श्रीलंका इसके लिए आंसर होगा सी। हाल ही में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप द्वीप समूह के सबरीजन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन इस तरीके का क्वेश्चन है, और आंसर इसके लिए जो होगा वो होगा कोच्चि डी आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक नीति आयोग की ABP की पहल डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी आया हुआ था, उसमें आपका जो है प्रदेश पूछा था और यहाँ आपकी रैंकिंग पूछी गई है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो अयोध्या में जो नवनिर्मित हवाई अड्डा है वो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया, सही आंसर हो जाएगा 2017। ब्रिक्स 2024 के लिए देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ की गई, इसका जो आंसर होगा रूस होगा। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के जो गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास, एज के लिए सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट के लिए व्यक्तियों के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के कितने समय सीमा में क्या है, तो 24 घंटे के भीतर इस पर कार्रवाई हो जाती है। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है, सी आंसर इसके लिए हो जाएगा। किस क्रिकेटर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, सही आंसर होगा मोहम्मद शमी। 101वां क्वेश्चन से क्या किस देश की मुद्रा है, सही जो आंसर होगा वो होगा म्यांमार। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो देखेगा यहाँ पर 102वें क्वेश्चन में होगा आपका बी, यानी कि 24 जनवरी। 103 क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, तो इसमें जो है वो है आपका परमवीर चक्र। मोबाइल एप्लीकेशन XM पासपोर्ट सेवा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर देखिएगा 104 की यदि बात की जाए ए आंसर आपका सही होगा, विदेश मंत्रालय। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था, सही आंसर होगा प्रज्ञान। हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया, सही आंसर जो होगा वो होगा वाराणसी। तो दोस्तों घूमने फिरने वाले साधु वाक्य के लिए एक शब्द है, इस तरीके के क्वेश्चन ये हिंदी के हैं। सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों का हमने आपको हल दे दिया है, आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। अगले वीडियो में हिंदी और अन्य पार्टों का भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। जय हिंद जय भारत।